love, I'm bound to Shady Grove. Give me my baby! Sure that this is what I want. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हरलैंड। और आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है शेडी ग्रोव, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मूवी है। वार्निंग, वेलकम टू हरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनके साथ एक अजीब सा मास्क पहने हुआ व्यक्ति एक औरत की डिलीवरी करवाकर उस न्यूली बॉर्न बेबी बॉय को एक वुडन बॉक्स में डलवाकर उस बॉक्स को बंद करवा देता है। वहां से सीन दूसरी ओर शिफ्ट होकर हमें पार्टी करते हुए एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम मार्क और शीना होता है। उनके साथ में उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम आयला था। अब अगले दिन वो तीनों पार्टी करने के लिए शेडी ग्रोव नाम की प्लेस पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक फार्म पर काम करती कुछ लड़के दिखाई देती है, जिनमें से एक लड़की से आयला टर्टल लेक जाने का रास्ता पूछता है जिसने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है। कुछ देर में वो तीनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि जंगल के बीच बना हुआ एक केबिन था। और वहां पहुंचकर शीना सभी को बताती है कि यहाँ के सारे होटल्स उसे सिर्फ $4,000 पर नाइट के हिसाब से मिल रहे हैं, और इसीलिए उसने ये वुडन केबिन बुक किया है जो कि उन्हें सिर्फ $200 पर नाइट में पड़ा है। वहां पर उनका वेलकम करने के लिए कोई नहीं था, और डोरमेट के नीचे से वे चाबी उठाकर गेट को अनलॉक करके अंदर जाते हैं। वो केबिन उनके सोच से काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही अच्छा था कि तभी शीना को एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जिसके बारे में वो उन दोनों से भी पूछती है, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। आयला शीना से कार की चाबी देने के लिए कहता है, लेकिन शीना उसे मना कर देती है। तो आयला शीना से बहस करके कार की चाबी ले लेता है और पास ही के एक स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक यंग कपल किस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो लड़की उसे देखते ही वहां से भाग जाती है। सीन कट होकर अगेन शिफ्ट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीना और मार्क इंटीमेट हो रहे थे, और वो लड़का जिसे हम किस करते हुए देखते हैं उसे कहीं से एक तीर आकर लगता है जिससे बचकर वो वहां से भागता है, और भागते भागते एक खाली ग्राउंड की तरफ जाता है। और तभी उसे वो मास्क पहने हुए व्यक्ति जिससे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो उसे तीर मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम आयला को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ से वो कुछ खाने का सामान लेता है, और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम क्लोई था। आयला उसे बताता है कि वो और उसके फ्रेंड्स आज के लिए इसी टाउन में रुके हुए हैं, और वो उसे उसकी दोस्तों के साथ में रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। आयला क्लो से उसका नंबर भी मांगता है जिससे कि वो उसे वहाँ का एड्रेस सेंड कर सके, लेकिन क्लोई को ऑलरेडी पता होता है कि वे लोग कहाँ पर रुके हुए हैं। आयला उसे पूछता है कि उसे कैसे पता, तो क्लोई उसे बताती है कि उसने उसे उनके दोस्तों के साथ में वहाँ पर देखा था। आयला वहाँ से सामान लेकर निकल जाता है, और तभी क्लोई किसी का कॉल उठाती है और सीन वहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हमें शीना दिखाई जाती है जहाँ पर उसे फिर से वैसी स्मेल आ रही थी जैसा कि केबिन के अंदर कुछ मरा हुआ हो, और केबिन का एक रूम लॉक होता है जिसे देखकर मार्क ये कहता है कि शायद ये स्मेल यहाँ से आ रही है। थोड़ी देर में आयला भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और उन तीनों के डिस्कशन से हमें शीना की प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है, और इस न्यूज से उनका दोस्त आयला बहुत खुश होता है और वो तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में वो तीनों केबिन के बाहर आग जलाकर बैठते हैं, और तभी शीना वहां से उठकर लेक के पास बने हुए एक शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी उसे झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, और वो पीछे पलटकर देखती है, और फिर मार्क और आयला को आवाज़ देकर वहां पर बुलाती है। मार्क झाड़ियों में जाकर देखता है तो वहां पर एक गाय होती है, और फिर केबिन में पहुंचकर मार्क किसी को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ठीक से उसकी बात नहीं हो पाती है। सीन कट होता है, और अगले सीन में वो तीनों केबिन के बाहर पार्टी कर रहे थे, और तभी क्लोई उसके एक दोस्त के साथ वहां पर आ जाती है जिसका नाम टेलर था। टेलर वही लड़की होती है जिसे आयला टर्टल लेक का रास्ता पूछता है। अब आयला उन दोनों को ले जाकर मार्क और शीना से इंट्रोड्यूस करवाता है, और क्लोई आयला से वॉशरूम जाने का रास्ता पूछती है, और आयला उसे लेकर केबिन की तरफ जाता है। शीना, मार्क और टेलर आपस में बात कर रहे होते हैं, और उसी बीच टेलर बताती है कि वो कभी शेडी ग्रोव से बाहर नहीं गई है, और टेलर उनसे ये भी पूछती है कि बेबी होने के बाद में क्या तुम लोग यहीं पर रहोगे, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि शीना की प्रेगनेंसी के बारे में उन तीनों के अलावा किसी और को कुछ भी नहीं पता था। तभी शीना उसे पूछ लेती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो टेलर उसे कहती है कि जिस तरह से तुमने अपने बेली को होल्ड करके रखा हुआ है
उसी को देखकर उसने गेस किया है। शीना उससे उसकी एज पूछती है और बताती है कि वो अगले महीने 21 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। इतनी देर में वहाँ पर आयला और क्लोई आ जाते हैं और रात का समय हो जाता है तो वे सभी पार्टी करने लगते हैं और क्लोई के कहने पर टेलर उन्हें एक गाना गाकर सुनाती है। देन क्लोई और आयला वहाँ से उठकर एक रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी कोई पीछे से आकर आयला का गला काटकर उसे वहीं पर मार डालता है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और शीना मार्क और टेलर को दिखाया जाता है और टेलर वहाँ से उन्हें ब्लेसिंग देकर चले जाती है और शीना और मार्क दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर रास्ते में रुककर वे दोनों किस करने लगते हैं और उनके जाने के बाद में हमें वही मास्क पहने हुए व्यक्ति दिखाया जाता है। अगले सीन में शीना आयला को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे पूरे केबिन में कहीं नहीं मिलता है तो मार्क उसे कहता है कि शायद वो जा चुका है और बात करते करते शीना का ध्यान उस बंद पड़े रूम के लॉक की तरफ जाता है जो कि उल्टी तरफ से लगा हुआ था जैसे कि किसी ने खोलकर उसे वापस लगाया हो। मार्क उसे कहता है कि शायद यहाँ पर केबिन का ओनर आया होगा जिसने इस लॉक को खोलकर लगाया हो। अब शीना और मार्क बाहर जाकर बैठते हैं और शेडी ग्रोव में उनके आखिरी समय को सेलिब्रेट करने लगते हैं कि तभी शीना को उनकी तरह आता हुआ कोई दिखाई देता है जो कि उन पर नजर रखे हुए था। बाहर ठंड ज्यादा होने की वजह से शीना उठकर केबिन में चली जाती है और मार्क उस बोनफायर को बुझाने के लिए लेक से पानी लेने जाता है कि तभी उसे किसी के भागने की और अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है और पुलिस को कॉल करके पुलिस से बात कर ही रहा होता है कि उसे पानी में से किसी इंसान का हाथ दिखाई देता है और वहां से डरकर केबिन की तरफ भागता है और केबिन में पहुंचकर शीना को सारी बातें बताता है। देन वो उससे उसका फोन मांगता है जो कि कार में रखा हुआ था। फिर वो कार में जाकर शीना के फोन से आयला के फोन पर कॉल करता है जो कि उस केबिन के अंदर लॉक्ड रूम में वाइब्रेट कर रहा होता है। मार्क केबिन में आता है और तभी उन दोनों को किसी के आने की आवाजें सुनाई देती है। वो गेट खोलकर देखते हैं तो बाहर टेलर खड़ी होती है जो कि उनसे उसके कार की चाबी के बारे में पूछ रही होती है। तभी शीना टेलर से क्लोई को टेक्स्ट करके आयला के बारे में पूछने के लिए कह देती है कि तभी मार्क टेलर के लिए पानी लेने जाता है और उसकी कार कीज वहीं पर रखी होती है जिसे देखकर टेलर खुश होकर मार्क को हक कर लेती है और आफ्टर दैट टेलर को क्लोई का टेक्स्ट आता है और बताती है कि आयला की तबीयत खराब है और वो उसी के साथ में है। तभी डोरबेल बजती है और गेट पर एक फीमेल पुलिस खड़ी होती है जो कि अपना नाम शेरिफ विंगरेट बताती है और उन लोगों से इंक्वायरी करने लगती है और मार्क उसे लेक में पड़े हुए हाथ को दिखाने के लिए ले जाता है लेकिन वहाँ पर अब कुछ नहीं होता है। पर उसे वहाँ से उसका फोन मिल जाता है और शेरिफ विंगरेट उसे समझाने लगती है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम बता रहे हो। और तभी अचानक से मार्क को सेम क्रीपी साउंड सुनाई देता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और शेरिफ विंगरेट उसे केबिन की तरफ ले जाती है। अब वहीं केबिन में शीना को टेलर की हरकतें कुछ अजीब लगती है और शेरिफ के कहने पर टेलर आयला को कॉल करती है लेकिन इस बार वो उस लॉक्ड रूम से कोई आवाज़ें नहीं आती है और वो शेरिफ भी वहाँ से अपनी कार को लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद में शीना उस रूम का लॉक तोड़ देती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर शीना चेंज करके बेड पर सोने के लिए जाती है और मार्क शॉवर लेने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और मास्क पहने हुआ व्यक्ति मार्क को टच करने लगता है। मार्क अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है और तब हमें दिखाया जाता है कि मास्क पहने हुए एक लड़की होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टेलर खुद ही थी और वो मार्क के पास आकर उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। तभी शीना पीछे से आकर टेलर के सर पर एक भारी सी चीज मारकर उसे भोंज कर देती है। अब हम देखते हैं कि सेम मास्क पहने हुए काफी सारे लोग उनके केबिन की तरफ आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर शीना गेट लॉक कर लेती है और अंदर की तरफ कहीं जाकर वो दोनों छुप जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बाथरूम की ओर जाता है और टेलर को इस हालत में देखकर उसके साथियों से हेल्प मांगता है और उसकी आवाज से हम समझ पाते हैं कि वो भी एक लड़की ही थी। वो उसके साथी टेलर को उठाकर काउच पर लेटा देती है और फिर टेलर के प्राइवेट पार्ट को टच करके वो कुछ चेक करती है। अब शीना एक टनल के थ्रू मार्क को लेकर दूसरा रूम में पहुंचती है। तभी उन्हें समझ में आता है कि वे लोग उनके ऊपर तब से नजर रखे हुए हैं जब से वे लोग शेडी ग्रोव में आए हुए हैं और उनके सारे मूवमेंट्स को वे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी एक रिकॉर्डिंग को देखकर उन्हें समझ आता है कि वे लोग आयला को पहले ही मार चुके हैं और ये देखकर मार्क को वॉमिट हो जाती है और शीना हाथ में टॉर्च लेकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। तभी शीना वहाँ की एक टनल की ओर जाती है
और वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीखती है। दूसरी तरफ मार्क उन्हें अपनी ओर आता देखकर शीना को आवाज लगाता है और कहता है कि उन्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं और वे लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं कि तभी शीना उसे रोते हुए अपने सामने कुछ दिखाती है जो कि असल में आयला का सर होता है जिसके पास कैंडल्स रखी होती है और ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म किया गया हो। और उसे देखकर मार्क भी रोने लगता है और शीना से वहाँ से निकलने के लिए कह देता है, लेकिन शीना उसे कहती है कि वे लोग वहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वे वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मार्क उसे खुद पर और उस पर विश्वास रखने के लिए कहता है। अब शीना उसे कहती है कि हम लोग आयला की बॉडी को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। तो मार्क आयला की बॉडी में आग लगा देता है और फिर वे दोनों उसी टनल के थ्रू वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो मास्क पहने लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते एक एंड तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक बंद गेट होता है और शीना उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे वो गेट नहीं खुलता है और ना ही वो उससे टूटता है। अब हमें समझ में आ जाता है कि सभी मास्क के पीछे लड़कियाँ हैं और एक मास्क पहने हुए लड़की शीना और मार्क का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और उनमें से एक का पैर फिसल जाने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है जिससे कि उसके हाथों और बॉडी में खील घुस जाती है जो कि मार्क ने वहाँ पर ट्रैप के तौर पर बिछाई हुई थी। वो लड़की अपना मास्क हटाती है तो हमें पता लगता है कि वो लड़की क्लोई थी और शीना चुपके से उस पर वार करके उसे जान से मार डालती है और उसका मास्क और चाकू उठा लेती है और वो दोनों उस टनल के थ्रू उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की मास्क पहनकर सभी चीजों की लाइव मॉनिटरिंग कर रही थी। शीना उस मास्क को पहनकर उस लड़की पर हमला करके उसके गले में चाकू मार देती है और उसका मास्क हटाकर देखती है तो लड़की उनमें से ही एक लड़की होती है जो कि उन्हें फार्म पर मिली थी। उसके बाद में वो दोनों मास्क पहनकर केबिन में जाते हैं जहाँ पर टेलर होती है जो कि शीना पर हमला कर देती है और शीना उसके हाथ में चोट पहुंचाकर उसके साथ उसके हाथ और पैर बांधकर उसे काउच पर पटक देती है। अब वे दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं और शीना चाकू की मदद से कार को अनलॉक करती है और दोनों वहाँ से कार लेकर निकलते हैं। तभी उनकी कार के सामने एक गाय आ जाती है जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर शेरिफ विंगरेडी भी आ जाती है और उन दोनों को कार के बाहर निकालती है और खुद की कार में बैठाकर कार का गेट लॉक कर देती है। और तब हमें पता चलता है कि शेरिफ विंगरेड भी उन्हीं के साथ में मिली हुई है। वो उनसे कहती है कि 200 सालों से उनकी कम्युनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है बिना किसी मेल ईगो के इंटरफेरेंस के और हम सभी बहन हैं, हम सब कुछ एक दूसरे के सहारे करते हैं जो भी हमारे पास में है बिना किसी लड़ाई झगड़े और जिलेसी के। तभी कुछ मास्क पहने हुई लड़कियाँ मार्क को कार से निकालकर थोड़ी दूरी पर ले जाकर लेटा देती है और सब मिलकर अपने अपने हथियारों से उसे बेरहमी से उसे मार डालती है। शीना ये सारी चीजें रुते रुते कार में से सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। सीन यहीं पर कट होता है और अब हमें 10 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई एक बेबी बॉय को जन्म देती है और शेरिफ विंगरेट के द्वारा उसे भी एक वुडन बॉक्स में डालकर बंद करवा दिया जाता है और वे लोग उस बॉक्स को जमीन में दफना देते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शीना अपने बच्चे को ये कहकर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है कि तुम मम्मी के साथ में सेफ हो बेबी गर्ल। और सडनली हमें दीवार से टिकी हुई एक लाश दिखाई जाती है जो कि मार्के की लाश होती है और पूरी तरीके से सड़ चुकी होती है, उसमें कीड़े भी लग चुके थे और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि कुछ लोग एक लेडी को बेबी डिलीवर करवा रहे थे, उस लेडी को एक बेबी बॉय होता है और इसीलिए वो उसे बॉक्स में बंद करके जिंदा ही दफना देते हैं क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें सिर्फ औरतें होती है जो कि शेडी ग्रोव नाम की जगह पर 200 सालों से एग्जिस्ट करती है। वे लोग वहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के साथ में इंटीमेट होते हैं और उन्हीं से अगर बेबी गर्ल पैदा होती है तो वे उसे अपनी कम्युनिटी में रख लेते हैं और बॉय होने पर उसे मारकर फेंक देते हैं जो कि उन्होंने शीना की बेबी के साथ में किया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जल्दी आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।